देखिए, ख़ास की एक शख्सियत है, एक अदबी, उनकी शायरी है, उनकी नसर नगारी है, तो जो नए लोग हैं उन तक वो पैगाम पहुँचेगा, उनको पता चलेगा कि हमारे सिंध में कौन कैसे लिखने वाले मौजूद थे और जिन्होंने जिनके काम का की वजह से आज सिंध तरक्की की राहों पे गामजन है। मुझे बड़ी खुशी है, इस तरह की इवेंट होते रहना चाहिए। मैं तो कहूँगी कि आपा शम्स अब्बासी पे प्रोग्राम होना चाहिए कि सिंध में औरतों ने जो तरक्की की तालीम के शोबे में, आज इतनी ख्वातीन उस कॉलेज से पढ़ के आगे पहुँची हैं। हमारे सिंध में पहले से ऐसी ख्वातीन मौजूद हैं जिन्होंने रोशन ख्याली की एक बुनियाद डाली और आज जो हमारे सिंध की बच्चियाँ औरतें आगे बढ़ रही हैं वो उनकी मरहूने मिन्नत हैं। तो हम उनकी खिदमात को सराहें, उनके काम को आगे बढ़ाएं, ये एक तरीक़ेकार होता है। तो मैं खाना बदोश की, इरफाना और अमर की इन खिदमात को बहुत अच्छी निगाह से देखती हूँ कि इससे हमारे जो नए लोग हैं, नौजवान हैं, लड़के और लड़कियाँ, उन तक ये बातें पहुँचेंगी, मालूमात पहुँचेगी। और आपको पता है कि जब मालूमात होती है तो फिर तरक्की की राहें भी खुलती चली जाए। मुझे तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे नज़दीक तो ये बहुत अहम प्लेटफॉर्म है और बहुत ही अहम डिस्कशन है और बहुत ही अहम जगह है जहाँ पे हर किस्म के लोग आते हैं और गुफ्तगू करते हैं और एक दूसरे के ख्याल और एक दूसरे से सीखते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है यहाँ पे आके, और मेरे नज़दीक तो ये ऐसी मेले और ऐसी गुफ्तगू और ऐसी जगहें जितनी हों उतनी कम है, और हमें तो इस वक्त ज़रूरत ही इन चीज़ों की। तो मुझे तो बहुत खुशी है और मैं चाहता हूँ कि, और जिस तरीके से लोगों ने भी दिलचस्पी ली न सिर्फ मेरी गुफ्तगू में बल्कि बाकी भी गुफ्तगू में और जितनी पार्टिसिपेशन है, मैं बड़ा हैरान हूँ क्योंकि अभी भी आज बहुत लोग आए हैं और फुल मतलब पार्टिसिपेशन देख के तो मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ। जीता है जो उसकी जवानी जहाँ पर गुजर रही होती है, उसके अंदर नौजवान के जो सबसे बड़े मसाइल होते हैं, एक उसका अपना वजूद होता है, दूसरा उस वजूद के अंदर जो उसके तजादात होते हैं वो होते हैं, और तीसरा ये होता है कि वो ट्रांजिशन में होता है, मुस्तकबिल की तरफ जाने वाला होता है। तो हाल में होते हुए मुस्तकबिल की तरफ जाते हुए अयाज एक नौजवान के लिए क्या कर सकता है? अयाज बतौर शायर, बतौर मुफक्किर और बतौर एक आशिक के और एक सियासी रहनुमा के तौर पर न सिर्फ बता सकता है नौजवान को कि इश्क क्या है, उसके अंदर वफा क्या है, उसके अंदर कमिटमेंट क्या है, उसके अंदर तकालीफ सहना और उसकी इश्क की जो गहराई और गहराई है वो क्या है, और वो कैसे एक आदमी को लोहे की तरह उठा के पका के कुंदन बना देती है और पारस की तरह उसको छू के कैसे सोना बना देती है। वो उसके सारे जो किरदार हैं जो उसने शायरी में गाए हैं या लिखे हैं, उनको एक तरह से ये, दूसरा ये कि शायर नौजवान को कैसे देखता है कि वो क्या करे। आज शायर अगर होता वो तो नौजवानों को क्या कहता कि तुम क्या करो? तो यकीनन वो उनको कहता कि अपने इजहार की आज़ादी, अपने ख्याल पर अमल, अपने जोश व जज्बात को बगावत और सच्चाई और आज़ादी के लिए इस्तेमाल करना और यकजहती में कुव्वत पाना, ये वो पूरी जहतें हैं जहाँ पर अयाज इन सब की मुफक्किराना रहबरी कर सकते हैं और करते हैं। दूसरी जो चीज़ है जो इससे हटके है वो ये है कि अयाज शायर तो है, अयाज मौसीकी के हवाले से तो है, अयाज रक्स और ड्रामा के हवाले से तो है, लेकिन फ़िक्री आज़ादी और इंसानी आज़ादी और बर्दाश्त, ये तीन चीज़ें इस तरह से हैं कि आज जो नौजवान जुनूनी बन जाता है, आज जो नौजवान ज़िंदगी से राह फरार कर लेता है, आज जो जवान नहीं जानता कि वफा क्या है, जिसे ये पता नहीं होता कि मैं जीऊँ तो किसके लिए और क्यों, तो ये सारी चीज़ें अयाज उसको न सिर्फ बैठ के
उसका सर थपक के आराम से बता भी सकता है और बड़े जोश वलवले और खूबसूरती से बता सकता है। महसूस थे तो तहड़ो डिफरेंट कह सकता था तब्दीली आने सकोता यू तो असानी तब्दीली आने सके थी अयाज के मैसेज के बुधी करें और समझा तो अयाज सिंध के सी नौजवान टही से असरअंदाज शायर है अयाज के रीएक्सप्लोर कर अयाज मेलो लगे तो अयाज के शायरी के मुख्तलिफ एंगल्स से ऐसे उनके ऐसे उन जो सिंध की नौजवान टही है या खुद सजो सिंध जो समाज है उन कड़ी कड़ी डायरेक्शन्स मिलन थी उन मिसाल तौर सिंध के अयाज जी डिफाइन किया सिंध के लिए अयाज जी वतन की हैसियत में एक जगह रखे तो अयाज आऊँ समझा तो जो सिंध के डिफाइन किया सिंध काबो काशिब आ चवे को शेख या ब्राह्मण इन्हीं असांजी खुदाई खुटी न फिरदोस बेहतर न बागे अदन आऊँ समझा तो इन अंदाज में अयाज के शायद ही कें सिंध के ये कें डिफाइन किया हो अयाज सजे टेन्यूअर से आऊँ समझा तो शाह का जका भी सिंध की शायरी आ सचल जो पीरियड छे कर बाकी जी सिंध की शायरी आ उन असरअंदाज शायर जैसे आए तो शेख अयाज है सो इन किस्म जहा इवेंट नौजवान के अयाज से मिलान था सिंध के अयाज से मिलान था सो ही इवेंट सिंध जो अयाज अयाज जो सिंध जो मेलाप जो जरियो है जो अयाज के अना मान पहुँचाई सिंध की जो मजामत है आऊँ समझा तो सिंध की सियासी मजामत में अयाज की शायरी बारण जो किरदार अदा कर रही है सदाई उन में उत्साह पैदा कर रही है इंस्पायरेशन पैदा कर रही है सो अयाज एक उम्मीद परस्त उत्साह दींद शायर की हैसियत में अयाज के एतो पे को पढ़ो हो पंज साल तसलसल तो अचे जो हि मेले की शक्ल में इन में असा अयाज की काफ़ी घनी खबर पी है अयाज जो है सो रवायती शायर हो जो है सो कॉम्परस्ती के कॉम्परस्ती में खड़ो जो सियासत में खड़ो कें भी हिसाब से असर उन्हें खड़ी सूँ एक जो है सो मोटिवेशनल असा शायर जिनके चो वो शायर हो जिनकी असें हाँ खबर पे थी तो असा सिंध जो है सो ही केडो वो सरमायो हो उन्हें एप्रिशिएट क्यों हैदराबादी वा टीम जिनके अयाज मेले के सजाए कर अगते खी आई है मैडम अमर सिंधु वारा असा दिसूँ पा तो अज नौजवान जो हिंसर जो पिंडाल में अस आयो सिर्फ अयाज के मुशायरों ये दिसण चुनाव अयाज जो केतो कम थे पैं गाल अयाज मेले में अचण जो ही मुझे बो इतफाक है गुजर साल भी आयोस साल भी आयो आया साल तो वो स्टॉल भी लगा है उन स्टॉल जो नालो ही मुको है तो शेख अयाज किताब कार्नर रखो अयाज में कोई अड़ो असो असासो जैमें अस तमाम घनी इंस्पायरेशन वरती है बुक स्टॉल के हवा से बुधाया तो नौजवान इतने जो नज़र तो अचे पो तो वो 90% यंगस्टर आ यो खाना बदोश कैफे वारन के जो क्रेडिट वने तो पो